हम जितना कहते हैं उतना करते हैं, सरकार हमारी है तो निश्चित तौर पे हम जब कह दिए तो काम होना है तो होगा। नमस्कार, मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अभी फिलहाल देखेंगे तो करारी विधानसभा में है और सुनील पांडे हैं जो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और तमाम लोग जो है तमाम लोग इनसे कंप्लेंट भी कर रहे हैं और खासियत बात भी हो रही है। नमस्कार, देखा जाए तो करारी की लड़ाई जो है एक जाति फैक्टर कितना काम करेगी करारी में? इस बार जाति फैक्टर काम नहीं करेगा, अब जितना हो चुका उतना हो चुका, इस पर जनता ने मन बना लिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एक लगता है ना जनता के मन में कि बाहुबली विधायक जब भी न्यूज पे चलती है या मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती है तो बाहुबली के डर से कोई वोट दे पाए या न दे पाए। देखिए, आज के डेट में डर से कोई किसी को वोट देने से नहीं रोक सकता जी। हर मतदाता अपनी मर्जी से मतदान करते हैं और बाहुबली बाहुबली अगर आप कहते हैं तो जनता के हित में कोई कदम उठाना, जनता की सुरक्षा करना अगर बाहुबल है तो आप हो पा सकते हैं। विशाल प्रशांत खास करके युवा है, युवाओं का कितना सपोर्ट मिल रहा है? निश्चित तौर पे पूरा एनडीए पार्टी के जितने भी सपोर्टर हैं, यही नहीं बल्कि अन्य वर्ग के भी, अन्य पार्टियों के भी लोग अब विकास के नाम पर अब वोट करने जा रहे हैं, न कि पार्टी और जाति के नाम। और देखा जाए तो तरारी विधानसभा में सुदामा प्रसाद 10 साल टर्म रहा जिसमें 9 साल टर्म रहा, तो क्या लगता है उस टर्म को आप ढहा पाएंगे या नहीं? सुदामा प्रसाद ने कोई काम ही नहीं किया 9 वर्षों में, हमने तो दावा कर दिया है और हमने नहीं कहा, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कर दिया है कि खजाना खोल देंगे तड़ारी के लिए 10 वर्ष बनाम 10 महीना, 10 महीने में हम उतना काम करके जनता को दिखाएंगे जितना कि 10 वर्षों में सुदामा प्रसाद जी ने नहीं किया। हमने देखा कि आपने ऑन द स्पॉट भी काम करने का कोशिश किया, मंत्री जी से बात करने की कोशिश किया, तो क्या लगता है? हम जितना कहते हैं उतना करते हैं, सरकार हमारी है तो निश्चित तौर पे हम जब कह दिए तो काम होना है तो होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बातों पे हमने बातचीत किया है, खास करके देखेंगे तो यहाँ से तरारी विधानसभा सीट से अगर बात करें तो विशाल प्रशांत जो है यहाँ के उम्मीदवार हैं और उनके पिताजी हैं और सुनील पांडे वो जो है लगातार तरारी विधानसभा में और गांव-गांव जो है कस्बा कस्बा जो है अपने बेटे के लिए प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल अगर बात करें तो बाहुबल पे भी हमने बातचीत किया है, वो तस्वीर जो है अभी आप देखेंगे तो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो अंत में मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अगर फेसबुक है तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।